मैं एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहा हूँ, और इशू ये है कि वास्तव में गरीब कौन है। हमारे भारत में गरीब कौन है? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर तीन श्रेणी, तीन वर्ग के लोग हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, एक मिडिल क्लास है। अब तक जो देखने में आया है कि कोई भी सरकार हो या एनजीओ हो, वो सिर्फ जो है दो वर्ग के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। एक चाहे तो अमीर तबके के लिए, एक चाहे फिर गरीब तबके के लिए। कभी भी कोई आपदा आई, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, बाढ़ आई या अभी महामारी चल रहा है, तो इसमें भी हर तरीके की जो मदद है वो चाहे तो अमीरों को मिल रहा है या फिर गरीबों को, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक तबका जो है, एक वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और सवाल यहीं से शुरू होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये कभी भी अपने हालत का रोना नहीं रोते। ये कभी भी मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। ये कभी भी किसी के आगे मदद के लिए मुंह नहीं खोल सकते। ये कभी अपने वोटों की कीमत नहीं लगाते। शायद इसलिए ये हर जगह मारे जाते हैं। आप देखिए, अभी हर तरीके के जो भी राहत है, जो भी फंड हैं, जो भी एनजीओ मदद कर रही है, वो यही दो तबकों को कर रही है। सरकार की क्या नीति है? सरकार ने अभी एक कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि जिसके पास जनधन खाता होगा उन्हीं को जो भी राहत राशि है वो दी जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो परिपूर्ण हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है? घर के हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, या उनकी अपनी कंपनी है, या फिर वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं इस महामारी में, या फिर सोने का बिस्किट खा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉकडाउन है, ये सबके लिए है। परेशानी दिक्कत है, सबके लिए है। काम धंधा बंद है, सबका काम धंधा बंद है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो नहीं मांगे, नहीं बोले, नहीं विवाद करे, उसकी ज़रूरत सरकार भी नहीं समझे। सरकार के पास मध्य वर्ग के जो लोग हैं उसका पूरा डाटा है कि उनकी क्या स्थिति है, उसके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग जॉब में हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो बेहतर होगा कि जो हमारा संविधान में एक लाइन है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इसका ख्याल रखा जाए। और बिना किसी टर्म, बिना किसी कंडीशन के अगर मदद की बात है, सबकी की जाए। जनधन खाता अभी 5 साल 10 साल से जिसके पास नहीं है वो क्या करे? क्या खाते के चक्कर में वो क्या कहता, भूखा मर जाए? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये सुझाव पसंद आया तो अपने दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ये बात हमारी सरकार तक पहुँच सके, या जो भी एनजीओ मदद करने के लिए आगे आ रही, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी तलाश के, वो सीधे अगर किसी तरीके की मदद करना चाहते हैं वो अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं भक्तों से, कि भक्त ये नहीं समझे कि इसमें कोई एक जाति है जो मध्यम वर्ग है। नहीं जी, इसमें हम आप सब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त शाह।